हमारी दुनिया रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। हमारी दुनिया में आज भी ऐसी कई जगह हैं जो रहस्यमय और रोमांचकारी हैं। इन कुछ जगहों की खोज हो चुकी है तो कुछ आज भी अनजान है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी गुफा के बारे में बताएंगे, जो आज भी वैज्ञानिकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य एक खोज यूट्यूब चैनल, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। सोनडुंग नाम से फेमस यह गुफा वियतनाम के जंगलों में पाई गई है। इस गुफा की खोज सन 1991 में हो खान नाम के एक आदमी ने की थी, लेकिन पानी की डरावनी आवाजें और अंधेरे के कारण किसी की भी उस गुफा के अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी थी। इसलिए इस गुफा के अंदर की दुनिया की खोज के 18 सालों के बाद तक, यानी 2009 तक, यह गुफा लोगों के लिए अनजान बनी रही थी। लेकिन सन 2009 में ब्रिटिश केव रिसर्च एसोसिएशन नामक एक संस्था ने एक अभियान चलाकर इसके अंदर की झलक दुनिया को दिखाने की कोशिश की। जमीन से करीब 262 फीट नीचे मौजूद यह गुफा इतनी गहरी है कि इसमें 40 मंजिला बिल्डिंग भी समाई जा सकती है। एक अनुमान के अनुसार यह गुफा 5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी, 660 फीट गहरी और 490 फीट चौड़ी है। इस गुफा की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए एक अभियान चलाया गया था। यह अभियान 10 अप्रैल से 14 अप्रैल 2009 के बीच चलाया गया था, लेकिन उनका अभियान बीच में ही एक बहुत बड़ी दीवार आने के कारण रुक गया था। इस गुफा से निकलने का रास्ता 2010 में खोजा गया, जब एक दल ने उस 200 मीटर ऊंची दीवार को पार किया था। उस दल के लोगों ने पाया कि यह गुफा वियतनाम की पिछली सबसे बड़ी गुफाओं से 5 गुना तथा विश्व की तब तक की सबसे बड़ी गुफा मलेशिया के डिर केव से 2 गुना ज्यादा बड़ी थी। इस गुफा का कुछ हिस्सा ऊपर से टूटा हुआ पाया गया है, जहां एक छोटा सा जंगल भी दिखाई देता है। यह गुफा 5.5 मील लंबी है। इस गुफा में एक डरावनी आवाज निकालती हुई नदी भी बहती रहती है। इस गुफा में 300 मिलियन साल पुराने जीवाश्म तक भी पाए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।